कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगेगा, जिसके संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए सभी जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात हैं। सभी पुलिस कर्मियों और मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया है कि वो केवल स्वास्थ्य विभाग और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, नगर निगम की गाड़ियाँ और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की गाड़ियाँ को ही जाने दें, बाकी सभी गाड़ियों का चालान किया जाए और जो लोग लॉकडाउन में घर से बाहर निकल रहे हैं उनकी गाड़ियों का चालान और 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। अभी शासन के द्वारा कैंट और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने का कोई निर्देश नहीं आया है, केवल शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा और उसका पालन करवाया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, शासन के निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर सभी मजिस्ट्रेट अपनी ड्यूटियों पर तैनात हैं। सभी पुलिस ऑफिसर्स को और मजिस्ट्रेट्स को जिला मजिस्ट्रेट के ऑर्डर दे दिए गए हैं कि केवल स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां, जैसे एम्बुलेंस आदि, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने वाली गाड़ियां, ले जाने वाली गाड़ियां, नगर निगम की गाड़ियां और ऑफिसर्स जो ड्यूटी पर हैं उनकी गाड़ियाँ, और कोई जिसको मृत्यु का भय है, ऐसी कोई बीमारी है, केवल उस वाहन को अलाउ करें, बाकी सभी वाहन को चालान करें और वापस भेज दें। सर, लॉकडाउन में बहुत लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, उनका चालान किया जा रहा है और उनके खिलाफ 188 के मुकदमे के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। सबका चालान होगा, 188 में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, पूछना मिले कि कैंट पर गोरखनाथ लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसी कोई संभावना अभी नहीं है, क्योंकि शासन की केवल मंशा सैटरडे और संडे को लॉकडाउन की है, जिसको 100% कंप्लाई कराने के लिए सभी अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी साहब से लेके सभी नीचे स्तर के अधिकारी ऑन ड्यूटी और राउंड पर हैं।